एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस यूट्यूब चैनल दया मैथ्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं तो आज की इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट जो है क्लास 8 के टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है और पार्ट थर्ड का लेक्चर है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो चिंता न करें, वीडियोज़ को पूरा देखें। वीडियोज़ पसंद आने पर ही वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन को समझने पहले कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी किसी काम को ए बी और सी अकेले अकेले जो है ये 10 दिन में 12 दिन में और 15 डेज में कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट इफ़ दे वर्क टुगेदर। अब पूछा ये जा रहा है कि अगर ये तीनों मिल करके उस काम को एक साथ करें तो समय क्या लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको लगाने का तरीका ये है कि अगर हम ए के बारे में बात करें तो ए जो है 10 डेज ले करके 1 कंप्लीट वर्क करेगा, तो यह एक दिन में केवल जो है ये 1/10 वर्क करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बी के बारे में निकालते हैं तो बी जो है यहाँ पे देखिए 12 डेज दिया गया है, क्लियर। तो बी 12 डेज लेगा तब जा करके 1 कंप्लीट वर्क करेगा, ये वर्क। लेकिन अगर एक दिन में देखा जाए तो एक दिन में इसका जो काम जो होगा वे केवल 1/12 होगा। ठीक इसी तरीके से सी जो है, सी का देखिए यहाँ पे 15 डेज दिया गया है, तो सी 15 डेज ले करके 1 कंप्लीट वर्क करेगा ये, तो 1 डे में ये 1/15 वर्क करेगा। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर ये तीनों मिलके काम करें, ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर सो वन डे वर्क, यानी हम ये पता कर लें कि अगर ये तीनों मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में जो काम का जो पार्ट होगा वो कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो ये फ्रैक्शनल जो पार्ट आए हैं इनको हमें ऐड करना होगा ताकि ये पता चल जाए कि 1 डे में कितना काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1/10, 1/12 और 1/15 इनको हम ऐड कर लेंगे। 10, 12 और 15 जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो 60 आएगा, क्लियर। तो डिनोमेटर को बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ पे आप 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 5 से कर लें और यहाँ पे आप जो है 6 से कर लें। तो जब आप देख रहे हो कि डिनोमेटर का जो रिजल्ट जो होगा सबका 60 हो गया है तो न्यूमरेटर को आप ऐड कर लें, तो यहाँ से आपको मिलेगा 6 + 5 + 4 / 60। तो यहाँ पे देखिए 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15 / 60 हो जाएगा और इसको आप छोटा करेंगे तो ये 1/4 आपको मिलेगा। तो जानते क्या है, ये एक्चुअली में ये बता रहा है कि 1 डे में 1/4 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर, यानी एक दिन में सिर्फ 1/4 वर्क कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अब हम आते हैं कि हमें पता ये करना है कि कितने दिनों में काम ये कंप्लीट होगा। तो चूंकि यहाँ पे देखो 1/4 वर्क जो है ये 1 डे में हो रहा है, सो वन वर्क का मतलब हो गया कि पूरा काम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि देखो जब 1 का निकालना हो ना किसी एक का तो डिवाइडेशन करते हैं, तो यहाँ पे 1 और डिवाइडेड बाई अभी जो चीज़ आएगी तो इधर आ जाएगी, तो 1/4 हो जाएगा और ये डेज लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दें तो ये 4/1 हो जाएगा, तो जो कि इसका आंसर जो होगा वो 4 डेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पहले क्वेश्चन का जो है ये आंसर आपको मैंने समझा दिया है। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, तो इसे आप समझ लें आप। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखो दिया गया है क्या कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 16 आवर्स, यानी
ए जो है किसी काम को 24 आवर्स में करता है जबकि बी उसी काम को 16 आवर्स में करता है। अब यहाँ एक कंडीशन लगाइए, इफ़ ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इट इन 8 आवर्स, यानी अब ए बी सी उसी काम को करेंगे एक साथ मिल करके तो वो 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स कैन सी अलोन कैन सी अलोन फिनिश द वर्क, यानी सी जो है उस काम को अकेले कितने घंटे में कर सकता है। तो यहाँ पे इसको सोल्यूशन इसका इस तरीके से आप देंगे। आप देखिए अब ए जो है 24 आवर्स कर रहा है, तो ए के बारे में अगर देखेंगे तो 24 आवर्स लेगा तब जाके इसका 1 वर्क होगा। तो इसका मतलब एक घंटे में ये कितना कर लेगा, ये एक घंटे में ये 1/24 वर्क करेगा ये। ठीक इसी तरीके से बी के बारे में दिया गया है कि 16 आवर्स, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बी 16 आवर्स लेंगे, क्लियर, तब तो जा करके इनका 1 वर्क कंप्लीट होगा, 1 वर्क। तो 1 आवर में कितना होगा, 1/16। अब इसमें नई कंडीशन जो लगाई गई थी कि इफ़ ए बी सी वर्किंग टुगेदर, यानी अगर ए बी सी मिल के करते हैं तो इनको जो टाइम जो लगता था वो 8 आवर्स लग रहा था यहाँ पे। तो इफ़ ए बी एंड सी, तो ये बताइए कि ये 8 आवर्स लेंगे तो तब जा करके 1 वर्क होगा। तो 1 आवर में इनके द्वारा जो काम जो होगा ये केवल 1/8 वर्क होगा, 1/8 वर्क। अब हम लोग क्या करते हैं कि सी का 1 आवर में वर्क क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय सी इन 1 आवर, क्लियर। तो यहाँ पे इसको लगाने का तरीका ये है कि वर्क ऑफ ए बी सी इन 1 आवर, यानी हम क्या करेंगे कि ए बी सी का 1 आवर में जो वर्क है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ए और बी का वर्क सबट्रैक्ट कर देंगे, वो भी 1 आवर का। तो वर्क ऑफ ए एंड बी इन 1 आवर, इसको तो अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे कि ए बी सी का जब आपने निकाला था तो यहाँ देखिए 1/8 था, ठीक है, तो यहाँ पे 1/8 आप रख दीजिए, माइनस का साइन लगा लीजिए, और ए और बी का पहले वर्क जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है ना इनको आप पहले जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 1/24 प्लस, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 1/24, ये तो हो गया ए का। अब हम लोग बी का देखेंगे, तो बी का यहाँ पे 1/16 है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये चेक कर लें कि 8, 24 और 16 इनका जो एलसीएम जो होगा वो आएगा यहाँ पे आपको मिलेगा 48 मिलेगा, क्लियर। तो आप चाहें तो डिनोमिनेटर बराबर भी कर सकते हैं, क्लियर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, और इसमें मैं 3 से कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 6/48 माइनस, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पे जो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 1/48, लेकिन देखिए यहाँ आवर मत लगाइएगा, ये आवर नहीं है, ये एक्चुअली में 1/48 वर्क होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन बाय सी इन 1 आवर, यानी सी के द्वारा एक घंटे में कितना काम हो रहा है, तो वो एक्चुअली में यहाँ पे आएगा 1/48 वर्क, क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें पता ये करना है कि सी को समय क्या लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि टाइम टेकन
बाय सी। तो यहाँ पे मान लो कि अगर ये 1/48 वर्क कर रहा था, तो इसको जो समय लग रहा था ये 1 आवर का लग रहा था। तो अगर इसको 1 वर्क करना हो, यानी 1 वर्क का मतलब हो गया पूरा काम, तब क्या होगा, इसके लिए 1/48 इधर लाएंगे तो डिवाइडेशन में हो जाएगा, क्योंकि 1 का जब रिजल्ट निकालना होगा ना तो डिवाइडेशन होगा। तो 1 dividing by 1/48 और जो इसका आंसर जो आएगा वो आवर्स में आएगा। तो यहाँ पे 1 divide को मल्टीप्लाई में बदल दें और ये 48 हो जाएगा आवर्स, और ये तो आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो 48 आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे, और अगर इसकी पिछली वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो आप ऊपर जो आई बटन जो दिख रहा है उस आई बटन के माध्यम से भी आप क्लास 8 की यूज़फुल वीडियोस को देख सकते हैं, और वीडियोस के एंड स्क्रीन में भी वीडियोस लगी है तो उसे देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।